खुशियों का सामान समेटे। सपनों का सूटकेस लिए आते जाते रास्तों से लुका छिपी खेलते हुए हर सफर में अनजाने रिश्ते बनाते हुए भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल रोज हजारों मीलों का फासला तय करती है और पिछले 162 साल से लगातार देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लाखों लोगों को उनकी मंजिल से जोड़ती आई है। नए रिश्ते, नई यादें, नए सपने दिखाती आई है। पर क्या आप जानते हैं कि इस सब के पीछे कौन है? कौन है जो दिन रात जागकर बिना रुके बिना थके ट्रेन को सुरक्षित और सही समय पर पहुंचाता है? शुरुआत में जब मैं गार्ड में बना तो मुझको मालूम नहीं था, बस ये जानता था कि गार्ड का एक रुतबा होता है, मगर उसकी गाड़ी नहीं चलती है। लगभग 23 साल की उम्र में मैं रेलवे की नौकरी में आ गया था, एज ए ट्रेस क्लर्क भर्ती हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स मैं गार्ड में। जब हम घर से निकलते हैं ड्यूटी हमारी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। रेल में चलने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो कोच लगा हुआ है वो ठीक है, एग्जामिनेशन किया हुआ है, कहीं फेल तो नहीं गया है, कोई पार्ट हैंगिंग तो नहीं है। चेक कर लेंगे कि गाड़ी हमारी ब्रेक से इंजन तक, इंजन से ब्रेक तक ठीक है। जब तक हम उसको चेक नहीं कर लेंगे फिजिकली, तब तक हम गाड़ी को प्रस्थान आदेश नहीं देंगे। जिंदगी में समय एक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे स्टेशन पर मैं आता हूँ, स्टेशन मास्टर दफ्तर में घड़ी लगी होती है, मैं उस घड़ी से टाइम मिलाता हूँ। अगर मैंने टाइम से पहले गाड़ी चला दी तो कई यात्री छूट जाएंगे। और कभी कभी प्लेटफार्म पे मैं देखता हूँ पीछे भाग रहा है या आगे आदमी भाग रहा है, तो मैं गाड़ी और अर्जेंट है तो मैं गाड़ी को रोकता भी। इतना ही नहीं, इमरजेंसी के समय इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल खुद ही करके फिर सारी चीजों की खुद पर्सनली जांच पड़ताल करने के बाद ही ड्राइवर को आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसी तरह से हम गाड़ी को चलाते समय हम ये महसूस करते हैं कि हम ऑपरेशन थिएटर में हैं। डॉक्टर एक की जिंदगी को लेकर चलता है, हम हजारों की जिंदगी को लेकर चलते हैं। आर्मी में आपने देखा होगा कि साल भर वो रिहर्सल करती है, और जब कोई बार होता है, लड़ाई होती है, तब वो जो है लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। हमें तो रोज लड़ाई लड़नी है। सिग्नल खराब है, गाड़ी को हम रोक लेंगे। अगर ऑटोमेटिक सेक्शन है तो दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट सिग्नल को अधिकतम गति 15 रेस्ट्रिक्ट स्पीड से उस सिग्नल को पार करेंगे और अगले सिग्नल की जड़ तक जाएंगे उसी स्पीड से। सतर्क व्यक्ति ही संरक्षा का सर्वोत्तम साधन है। अगर गार्ड सतर्क है तो किसी भी स्थिति में वो दुर्घटना को रोकने में कामयाब रहेगा। मुझे गर्व है कि मैं रेलवे जैसे बड़े परिवार का सदस्य हूँ, देश के विकास का हिस्सा हूँ। क्योंकि जब मैं देखता हूँ लाखों जिंदगियों के सपने पूरे होते हुए, अपनों से समय पर मिलते हुए और नए रिश्ते बनते हुए, तो मुझे चैन की सांस मिलती है।
मैं हूँ गार्ड, मैं हूँ भारतीय रेलवे। ये हैं हमारे रेल कर्मचारी, इन्हीं से तो बनती है रेल। से चलती है रेल।